रेवाड़ी में पिछले कुछ दिनों से सपा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धड़ल्ले से फल फूल रहा था, लेकिन एसपी राजेश दुग्गल के अपना पदभार संभालते ही इन सपा सेंटर मालिकों की नींद उड़ने लगी है। नए पुलिस कप्तान के निर्देशों पर पुलिस ने शहर के 4 सपा सेंटरों पर छापेमारी की और वहां से 19 लड़कियों और 9 लड़कों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने 2 सपा सेंटर संचालकों को भी हिरासत में लिया है, जो महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, आज ना पुलिस को सूचना मिली थी कि जो ये कुछ सपा सेंटर हैं और इनकी आड़ के अंदर अनैतिक व्यापार किया जा रहा है, तो जिस संबंध के अंदर हिंद इन टीमों द्वारा आज रेड की गई है और उनके ऊपर जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने युवक युवतियाँ पकड़े हुए हैं सर? अभी इस संबंध के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही वो हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। बताया जा रहा है करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग। हाँ, ज़्यादा हैं, करीब 19 महिलाएं हैं और कुछ व्यक्ति भी हैं और इनको यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसा भी आगे होगा आपको। लंबे समय से ये चल रहा था, अब कार्रवाई की क्या माना जाए? जब भी पुलिस को सूचना मिलती है इस संबंध के अंदर तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के ऊपर आज ये कार्रवाई की गई है और जैसे ही सूचना मिली उसी समय हमने कार्रवाई।